जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां पर लगभग 87,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका पेपर हुआ, एग्जाम कैंसिल किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब इसके री एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट किया गया है, जहाँ पे आप लोगों का आज यानी कि 9 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है और स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको भी याद दिला दूं कि जो आपके एग्जामिनेशन के डेट्स अनाउंसमेंट किए गए थे, देखिएगा 19 जुलाई से जो आपका है, ये आपका विषय है गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय को लेकर, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए है। और ये शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय की परीक्षा है जो कि 19 जुलाई को एकल पाली में होगी। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे का शिफ्ट होगा। वहीं पे 20 जुलाई को जो आपका परीक्षा है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का भी जो वैकेंसी है उसके लिए भी सामान्य की कोटि में सामान्य विषय का जो आपका पेपर है वो आपको 20 जुलाई को लिया जाएगा। एकल पाली में ये भी परीक्षा होगी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो दिन है आपका 21 जुलाई का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कक्षा 9 से 10 का जो है यहाँ पर आपका परीक्षा होगा शिक्षा विभाग का, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का 6 से 10 कक्षाओं का ये परीक्षा होगा। अब इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ देखिएगा तो हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान का परीक्षा 21 तारीख को है। वहीं पे जो है आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है उसके 6 से 10 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का एग्जाम 21 जुलाई को एकल पाली में ही लिया जाएगा। अब जो 22 तारीख का डेट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रथम पाली 9:30 से 12:30 यानी कि आपका जो परीक्षा होगा 9:30 से 12 बजे तक का होगा। 11 से 12वीं कक्षा के लिए आवेदन जो भी छात्र किए हैं उनका शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का परीक्षा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा पाली भी है यहाँ पर जो कि कक्षा 6 से 10 के लिए जो कंप्यूटर और संगीत विज्ञान और कला विज्ञान है ना, कला विषय के लिए जो आवेदन किए हैं उनका एग्जाम यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में लिया जाएगा। तो जो कक्षा 6 से 10 में आप जैसे मध्य विद्यालय में कंप्यूटर टीचर के लिए या संगीत के लिए आवेदन कर सकते हैं उनके लिए जानकारी है यहाँ पे। तो ये तो एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पे बोला भी गया था कि देखिए आपको जब फोटो अपलोड करना है, मतलब फोटो डाउन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आपको एक फोटो चाहिए 25 KB का, है ना। 25 KB का फोटो है, आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन होना होगा अपने आईडी पासवर्ड से और लॉगिन होकर यहाँ पर अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम में त्रुटि देखना होगा कि अगर कोई त्रुटि है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले फोटो को अपलोड करते हुए यहाँ पर सही नाम, पिता का नाम, माता का नाम लिखिएगा, उस पर अंकित कीजिएगा अगर कोई त्रुटि है तो, नहीं त्रुटि है तो उसको कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड के जो भी अभ्यर्थी होंगे आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में आपको दर्ज होगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो है क्या सेंटर कोड मिलेगा, है ना, सेंटर कोड मिलेगा। और सेंटर कोड जानने के बाद जिला का नाम वहाँ पे अंकित रहेगा किस जिला में आपका सेंटर दिया गया। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों। ई एडमिट कार्ड का जो है अतिरिक्त प्रति अपने साथ जरूर रखें, मतलब कि 2 इसका फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा। परीक्षा की अवधि वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके सुपुर्द करना होगा, एक आपको एक अपने पास जरूर रखिएगा। परीक्षा केंद्र जो होगा आपका कोड के संबंध में 16 जुलाई को फिर जो है ये दिया जाएगा। तो अधिक आज 9 जुलाई है, आपका सेंटर कोड और जिला बता दिया जाएगा, और 16 जुलाई को जो है आपका उस जिला में किस स्कूल में सेंटर पड़ा है वो बताया जाएगा, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और 18 जुलाई तक प्रवेश पत्र आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पे, और अपने एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होगा। तो जैसे ही आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक करके जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक पेज ओपन किया जाएगा, एक पोर्टल ओपन किया जाएगा जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म को भरा था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो बहुत सारे जो है एग्जामिनेशन के बारे में फॉर्म भरने का लिंक अभी तक एक्टिवेट है, यहाँ पे आप लोग सारा चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इस यूजर आईडी, यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा डालकर यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, वहां पे आपको 25 KB का जो है फोटो अपलोड कर देना है, स्कैन फोटो है ना, यहाँ पे वेबकैम से नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप फोटो देख सकेंगे,
और ये जो है आपका सेंटर कोड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और सेंटर का जिला अवेलेबल हो जाएगा और सेंटर कोड अवेलेबल हो जाएगा। नाम अपना चेक कर लीजिएगा, पिता नाम। अब ये सब कुछ डाउनलोड करने के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो आपका जो दिया गया है यहाँ पे जो निर्देश दिशा निर्देश दिए गए, इसको एक बार भली भांति अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके दो कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक साझा किया है। और आप भी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है या कोई समस्या हो रही है आपको डाउनलोड करने में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे है ना, जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रोल नंबर और जो यूजर नेम और पासवर्ड भेजिएगा, हम आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करके भी आपको भेज देंगे। ये आपको हेल्प यहाँ से जरूर कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आने वाले अभी एडमिट कार्ड का जो दूसरी बार आप डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे आगे वाले आने वाले वीडियोस में। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।